Hello everyone, how are you all? Hello, sir. I'm also fine. In this class, you all have a math subject. Today, we will learn that how to draw a line segment with the help of compass and a scale. Have a good time. Yes, sir. लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाए देन यू हाउ यू हैव टू ड्रॉ दैट लर्निंग ऑल दोस थिंग्स सो आई होप दैट एवरीबॉडी आर हैविंग द स्केल अभी ने दिखाया भी अभी सेशन शुरू करने के पहले आल्सो आई हैव द स्केल एंड कंपास यस सर एवरीबॉडी आर हैविंग ना यस सर यस सर यस सर आल्सो यू यस सर How you have to draw a line? For this, you all need to open the page number 43. In the math book, open the page number 43. Everybody, open the page number 43. Open. 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 Because on the page 43, there is a heading construction of line segment. Construction matlab निर्माण इस तरीके से निर्माण बनाना लाइन सेगमेंट को बनाने का जो प्रोसेस है निर्माण जो बनाने की जो प्रक्रिया हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट हाउ यू हैव टू ड्रॉ सेक्शन एक तरीके से बनाने में ड्रॉ ऑफ लाइन सेगमेंट सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मेकिंग ऑफ लाइन सेगमेंट इस भी आप इसको कह सकते हैं दिख रहा होगा स्केल का फिगर बहुत ही आप सभी को स्केल का फिगर दिख रहा है कि नहीं आपके यस सर यस सर यस सर आप सभी को फिगर में चीज देखना है आप जहाँ पे जीरो लिखा है वहाँ पे देखो लिखा है सी एम मतलब सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर मैं काम करता हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर ले रहा हूँ ऐसे आपका स्केल है स्केल थोड़ा सा यहाँ से बहुत आवाज आ रही है बेटा ये कौन है संजना पासवान आप ना माइक बंद करिए आपके यहाँ खच्चर पचर बहुत हो स्केल आपके इसी तरीके से अभी मैंने एक तरीके से बड़ा बना दिया आप लोगों को समझ में इस वजह से ये एक्चुअल साइज नहीं है जो बोर्ड पे बना रहा हूँ बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे बना होगा छोटा छोटा बना होगा फिर बीच में बीच में बड़ा होगा फिर छोटा छोटा बना होगा फिर बीच में बड़ा होगा फिर छोटा छोटा बना होगा फिर बड़ा होगा फिर छोटा छोटा होगा मैं कोई काम करता हूँ और भी बड़ा बनाता हूँ आप लोगों को दिखाई पड़े 1 2 3 4 5 ये बड़ा हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें क्या है आपको जो सेंटीमीटर है जो सेंटीमीटर है बेटा आपकी बुक में दिया इस तरीके से दिया हुआ है बीच में यहाँ पे मैं जो बीच में यहाँ पे ना लिख करके ऊपर लिख दे रहा हूँ ठीक है 1 2 3 ऐसे करके आपका आपका बहुत सारे हैं ये बड़ा है पूरा है इसको और नहीं ड्रॉ कर रहा लेकिन आपको ध्यान देने की जो जरूरत है एक तरफ लिखा होगा सेंटीमीटर और एक तरफ क्या है जहां पे आप 1 2 आप इधर शुरू करते हैं दूसरे साइड से आपका लिखा होगा इंचेस क्या लिखा होगा इंचेस इंचेस मान लीजिए इधर लिखा है इंचेस INCHES कोई जरूरी नहीं कि उधर इंचेस लिखा हो इधर भी लिखा हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता उधर चाहे इस साइड से लिखा हो चाहे उस साइड से लिखा हो जब आपको बोला जाए कि आपको 2 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है
तो आपको पता है यहाँ से शुरू होगा, यहाँ के 0.5 हो गया आधा, 1 सेंटीमीटर, ये 1.5, 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ से जीरो से शुरू करके आप इसी से बिल्कुल मेजर करके लाइन यहाँ पे ऐसे बनाएंगे रख करके 1-2 सेंटीमीटर लाइन। अगर आपको आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 से भी शुरू कर सकते हैं। 1 से शुरू करेंगे तो 2 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे तो 1, यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे तो 2। फिलहाल तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द जीरो, यू हैव टू मेजर, यू शुड मेजर फ्रॉम जीरो, जिससे गलतियां होने के चांसेस कम रहे, गलती ना हो। ओके, 4 सेंटीमीटर के बजाय आपको इंच में लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। तो इंच में आपके लिखा होगा, देखना ऐसे ही होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका 0, 1, 2, ये ऐसे ऐसे ही बना है ना दूसरे साइड। Yes, sir. Yes, sir. अब जितना इंच है, 1 इंच बोला गया तो 1.5 बोला गया तो 1.5 क्या मतलब 1 and 2 का हाफ, मतलब 1.5 ये होगा ना। Yes, sir. तो ये यहाँ yes, sir. अगर बोला गया 2 तो 2 इंच, अगर 3 इंच तो 3 इंच आपको यहाँ तक आता है, यहाँ से लेके इतना बड़ा। तो ऐसे ही आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ओके, यस विद द हेल्प ऑफ स्केल डायरेक्टली यू कॉल कैन प्लेस लाइक दिस। अगर आपको बोला गया कि मान लीजिए मैं आपका जो ये स्केल है 12 इंचेस का है, 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट होता है, 12 इंच का मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मैंने 12 का स्केल। अब इसको ध्यान देना, जब आप स्केल से ड्रॉ कर रहे हो तो आपका ये स्केल आप मजबूती से पकड़े रहे, ऐसा ना हो देखो बहुत हल्के हाथ से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऐसे गिर जाएगा तो गलत हो जाएगा। आपको प्रॉपरली इसको प्रेस करना, दबा के रखना है जिससे ये हिले ना, फिर आपको दूसरे हाथ से आपको ड्रॉ द लाइन। और लाइन ध्यान देना है कि आपका सिर से टच होके चले, ये ना हो कि बाहर निकल जाए लाइन, टेढ़ी हो जाए, तिरछी हो जाए। समझ में आया? यस सर। सेंटीमीटर में अगर आपको मेजर करना है या इंच में मेजर करना है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। आपको कैसे मेजर करना है ये बता दिया गया, आपके पास आज के डेट में पेंसिल भी है बेटा, लेकिन आपका अगर कंप्यूटर स्केल हो, अगर आपको यूज करना है, लेट्स से कंप्यूटर के थ्रू आपको बोला गया कि आपको सॉल्व करना है, तो कंप्यूटर के थ्रू हाउ यू हैव टू शोकेस। अभी कंप्यूटर भी मैं लेके आया हूँ, आपके पास स्केल भी है। लेट्स से कि अगर बोला गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 2 इंच, तो ऑल द थिंग्स आर हैविंग यस सर 2 सेंटीमीटर या 2 इंच बोल दिया गया, तो 2 इंच आपका, आपको पता है 2 इंच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्केल एंड 2 सेंटीमीटर इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्केल। आप मेजरमेंट यहाँ से आप कैलकुलेट देख लेंगे ना, मेजर कर लेंगे कि नहीं? यस सर। कंपस आपके पास होगा, कंपस कई तरह आपको ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप इसका जो दोनों ये लेग्स है, इसको आप अपने यहाँ पे प्लेस करिए, जैसे जीरो पे शो करिए, जीरो पे करके फिर 2 तक लेके जाइए, 2 पे ले जा करके ऐसे पहले पकड़ लीजिए। अब 2 पे हो गया, 2 पे पकड़ के, अब 2 पे अगर हो जाता है ठीक है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा टाइट करने वाला है, मैंने टाइट कर दिया, छोड़ दिया। अब एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ 2 है या नहीं, मैंने मेजर किया, 2 इंच है, 2 इंच मतलब आप 0 से शुरू करें, यहाँ पे 0 है, मेरे पास पेंसिल भी है, पेंसिल भी लगा दे रहा हूँ। पेंसिल यूज करते समय एक चीज ध्यान देना है, पेंसिल जब आप ड्रॉ आपको लगाना हो सबसे पहले बिल्कुल ये बिल्कुल सटा हुआ है होना चाहिए ऐसे। ओके, आपको पास में से दिखा दे रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे क्लोज होना चाहिए दोनों, और ये दोनों बिल्कुल बराबर सरफेस से बिल्कुल होना चाहिए। अब ये देखो पेंसिल ऊपर उठी है, तो ऐसे में एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा,
कभी क्या करेंगे, आप अपने यहाँ बेड पे या किसी और चीज पे इसको बराबर कर लीजिएगा, ऐसे रख करके बिल्कुल ये ये मैंने किया, पेंसिल भी बिल्कुल हो गई बराबर, ग्लास गिर गया पेंसिल, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ इसको मैं, ये पेंसिल आप बिल्कुल ऐसे ही मैंने कर दिया बिल्कुल पास में, अब इधर करता हूँ। किसी के यहाँ पे कोई पर्सन बात कर रहा है वो अपना माइक बंद कर ले प्लीज, जिसके यहाँ पे भी। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल पास में है, इसमें कोई भी नहीं, बराबर है बिल्कुल दोनों, आपका जो ये कंपास का जो लेग है और पेंसिल का जो भी आपका नोक है दोनों सरफेस पे टच होना चाहिए, ठीक है? यस सर। आपको उसको 2 सेंटीमीटर या 2 इंच आपको मेजर करना है, तो 2 इंच अगर आपको मेजर करना है, 2 इंच अब मैं मेजर भी कर ले रहा हूँ जल्दी से, जीरो पे रखना है, ये जीरो पे रख करके आप इस वाले आम को 2 तक लेके ओपन करके चले जाएं, ये बहुत बड़ा है आपको दिख, लेकिन आपकी कॉपी में 2 तो बहुत छोटा होगा, तो 2 तक लेके जाएंगे तो 2 मैंने सेट कर रखा है। ऐसे में क्या करना है आपको, जीरो से सबसे पहले जहां पे भी जाए वहां पे ऐसे एक आर्क लगा देना है, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से, जब आप करेंगे पेंसिल से तो ऐसे आर्क लगा देंगे, आर्क ऐसे कर्व बन जाएगा, ठीक है? तो आपको पता है जिस पॉइंट से आपने किया, मतलब आपने किया है जहां पे आपने ये कंपास का लेग को रखा, वहां पे एक पॉइंट बना दीजिए पहले, इस पॉइंट से आपने मेजर किया ही है, जहां पे भी गया है वहां पे आप ऐसे आर्क लगा दीजिए, दैट मीन्स कि ये से यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है दैट इज ए 2 सेंटीमीटर या 2 इंच जिस पे आपने इसको सेट कर रखा है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पास में होते तो ज्यादा अच्छे तरीके से बताया जा सकता था। Now, 3.2 एवरीबडी, अतुल यादव क्या क्या आवाज आ रही है इधर की? ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए, अंश गुप्ता, अंश गुप्ता इज देयर नॉट, है तो पढ़िए बेटा, अभी खतरा पता कितना ज्यादा हो रहा है, बरखा के हाथ से हो रहा है, अंश गुप्ता क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए 3.2 का। अभिनय पांडे बेटा आप पढ़िए। सर हाउ मेनी लाइन्स सेगमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, आपने पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, कौन सा पेज नंबर आपने ओपन किया है? सर 43। मैंने बोला है 3.2 ओपन करिए, अंश गुप्ता आपके यहाँ से बेटा आवाज आने लगी, आपको रीडिंग करने के लिए बोला गया, आप नहीं पढ़ रहे हैं किताब, ऊपर से आवाज इतनी ज्यादा आ रही है, आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ से पढ़े। हाँ बेटा पढ़िए, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ एंड नेम देम, यूजिंग अ रूलर, रूलर आपको पता है ना, स्केल को ही रूलर बोलते हैं, ठीक है? यस सर।
यस सर। रूलर, इस रूलर का यूज करते हुए आपको क्या करना है, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ एंड द नीड देम। सेवन सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर आपको पता है, मान लीजिए ये सेंटीमीटर आया है तो ये बीच में जो 1 है ना, ये सारे मिलीमीटर होते हैं सर, ठीक है। यस सर। यस सर। 1 सेंटीमीटर में यस सेंटीमीटर होते हैं। कौन बताएगा? शिखर सर 1000। 1000 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में। अच्छा सर बताएं। और कौन बताएगा? यस सर। अनुष्का यादव बताइए। सर 10 इन 1 सेंटीमीटर। सर 10। 10। एनीबडी एल्स? ओके साक्षी बताइए बेटा। सर 10। यस इट इज द करेक्ट आंसर। इन 1 सेंटीमीटर देयर इज हाउ मेनी मिलीमीटर? 10। 10। 10। शिखर भैया आप 100 और 1000 ऐसे करोगे तब तो हो चुका। सरिया आपके यहाँ से लाने लायक, मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर का मुझे सरिया दे दीजिए, आप बड़ा सा सरिया दे देंगे 1000 मिलीमीटर, तब तो नुकसान हो जाएगा। लेंथ नापना सोचिए 1 मिलीमीटर, आप यही आप सोच लीजिए 1 सेंटीमीटर अगर ये है तो उसके बीच में तो मिलीमीटर ही तो है। यस सर। 1, 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 9, 9 मिलीमीटर एक 10 मिलीमीटर हो गया, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, इसी में 4 मिलीमीटर और ऐड कर लीजिए 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ ये यहाँ तक लाइन खींचना है, ये 2 सेंटीमीटर जीरो से लेके 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर तक लाइन खींचना है, बनाना है, ड्रॉ करना है। तो कैसे आप रीड करेंगे मिलीमीटर सेंटीमीटर, समझ में आ गया? यस सर। ड्रॉ कर ले जाएंगे यूजिंग द रूलर, कैन यू ड्रॉ द सेगमेंट, जो भी लेंथ दिया है उसका। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आपको पता है एक तरफ सेंटीमीटर होता है एक तरफ इंच होता है, ये है ना? यस सर। कई बार बोला सेंटीमीटर, लोगों से बात करके बात पूछता हूँ ये कितने फीट का है, कितने फीट हाइट पे रहेगा, तो 1 फीट इक्वल टू जानते कितना इंच होता है, अभी भी मैंने बताया है कितने कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस। ओके यस सर। आपका कई सारे बच्चे, यस सर, स्केल आपका 12 इंच का है, 10 इंच का है, कितने इंच का है, 10 इंच भी आता है, 6 इंच का स्केल आता है, 12 इंच का स्केल आता है, 7, 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 7
अनुष्का यादव आपका स्केल कितने इंच का है? सर सेवन। सेवन? यस सर। एक बार फिर से देखो, एक बार दिखाइए मुझे, एक बार मुझे दिखाइए, मुझे दिखेगा। रुक जाइए, रुक, मैं एक बार स्पीकर व्यू करता हूँ। लेट मी अनुष्का यादव आप दिखाइए आपका। हाँ ठीक है, और पूरा साइड में पूरा दूर से पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए। हाँ ठीक है। हाँ बेटा आपका छोटा है, छोटा है। शिवान्या आपका सेवन इंच का, 12 इंच का किसी के पास है? 12 इंच का शिवान्या दिखाइए। यस सर। आप देखिए उसमें कितने इंच का स्केल है, आप देख लीजिए।
ठीक है गुड। तो संजना इज हैविंग द 12 इंच स्केल, 12 इंच इज इक्वल टू द 1 फीट। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 6 है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ो है। अगर आपको 12 इंच का लाइन खींचना होगा तब क्या करेंगे, आपके पास 7 हो तो सबसे पहले 7 इंच का बना लो, तो 1 से लेकर 7 इधर है तो 7 में 5 इंच का और बना लो इधर, 12 का हो जाएगा। बना लेंगे बड़ी लाइन, शायद आपको ना बनानी पड़े, कोई परेशानी नहीं है आपको, लेकिन ये ध्यान देना है बेटा, अगर सेंटीमीटर में आपको लाइन बनाना है तो सेंटीमीटर वाले की तरफ आपको मेजर करना है, ऐसा ना हो सारे बच्चे ऐसा करते हैं, उनको बोला जाता है 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, वो क्या करते हैं 7 इंच का बना देते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत छोटी होती है, छोटी नहीं बहुत छोटी होती है। एक्सक्यूज मी। तो आपको सेंटीमीटर वाला जब आप रूलर यूज कर रहे हो देन यू हैव टू इंश्योर कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सेंटीमीटर की तरफ से देख रहे हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, द सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन एबी, एबी यानी क्या, एबी लाइन बनाइए, एक लाइन मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आप भी ऐसे बना दीजिएगा। लाइन कैसे बनेगा, लाइन ऐसे बनाएंगे एरो लग जाएगा क्योंकि इसका लिमिट नहीं है, कितना भी लंबा जा सकता है। नहीं मैंने ड्रॉ अ लाइन एबी बना दिया, कोई पॉइंट नहीं रखा है, बस एबी केवल नाम दे दिया गया है। क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एबी एंड कट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.3 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट 4.3 सेंटीमीटर। वो लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों तरफ पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट आप यस सर यस सर यस सर बना लिए, यस सर दे दिया आपने, एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया 4.3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वाला इधर है, इधर वाला है, हाँ इधर है, तो 4.3 अगर बने तो 4.3 देखा 1 2 3 4 ये आपका जा रहा है यहाँ आपके यहाँ पे। अब आपके ज्यादा बड़ा दिखेगा, बोर्ड पे नहीं दिख रहा, मान लीजिए यहाँ तो 4.3 तो आप एक प्रॉपर लाइन ले रहा है, इस पे लाइन सेगमेंट काट दीजिए, क्या कटेगा पी एंड क्यू, क्यू आपका क्या हो गया लाइन सेगमेंट इक्वल टू कितना 3.4 सेंटीमीटर बन गया कि नहीं, ये पी क्यू से 3.4 सेंटीमीटर, ये रियल ये सही नहीं है, आप जब मेजर करेंगे तो 3.4 सिर्फ इतना ही आ रहा है आपके स्केल से रूलर से, आप लोग इतना मेजर कर ले जाएंगे। Yes, 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 इसी तरीके से आपको एक पहले लाइन बना लेना है, लाइन बनाने के बाद लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट कहाँ से किस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्या इस पॉइंट तक जहाँ तक भी रहे आप उसको एक पॉइंट का नाम अपनी मर्जी से दे दीजिएगा, इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को क्यू। अब आप इसका, अब इस दोनों पॉइंट को अगर पी क्यू आप लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं, पी क्यू लाइन सेगमेंट ऐसे बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट का मतलब ऐसे ही, दो लाइन सेगमेंट ऐसे होने चाहिए ना, पी क्यू इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, लेकिन मेजर करिए पी क्यू जो है पी से क्यू तक 4.3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, मेजर करने पे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एक जैसे हैं, बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ लाइन एल एम, ड्रॉ अ लाइन एल एम, इस लाइन का नाम एल एम रख दीजिए, लाइन तो लाइन ही की तरह होती है, ड्रॉ अ लाइन एल एम, एल एम मैंने रख दिया इसका नाम एल एम, एल एम लाइन बन गया कि नहीं। अब क्या करना है उसके बाद, कट लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, कट लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, दो लाइन सेगमेंट इसी में बनाने हैं, पहला लाइन सेगमेंट ए बी काटना है, मान लो आप ऐसा मान लीजिए कि आपने पहला ए बी यहाँ से शुरू किया, ये सारे पॉइंट से, इसको नाम दिया ए,
अब इसमें क्या है, ए बी कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर आप इसमें देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर जीरो से मेजर कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर इतना आता है, तो ये क्या हो गया, 4 AB आपका बन गया, ए बी कितना, 4.4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को क्या बोल सकते हैं, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। Yes sir. 4.2 सेंटीमीटर। Yes sir. ए बी आपका 4.2 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बनाना है, AC। बेटा A बना है, AC आप यहाँ से अलग नहीं बनाएंगे, ध्यान देना। A से B यहाँ तक हो गया, अब AC जो है आपको 8 सेंटीमीटर 6, यानी A से ही लेकर के आपको 8 सेंटीमीटर देखना है, 8 सेंटीमीटर से लेके 8.6 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, 8.6 मान लो यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। अब AC यानी A से लेके C तक की दूरी कितनी है, 8.6 सेंटीमीटर, समझ आया? Yes sir. अब यहाँ पे आप लिखिए AC लाइन सेगमेंट इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर ले जाएंगे। यस यस सर, यस सर। ड्रॉ लाइन, ये लाइन आप डायरेक्टली रूलर का यूज करके बना सकते हैं, प्लस आप चाहें तो ऐसे पॉइंट से जितना सेंटीमीटर का बोला जाए उतने सेंटीमीटर का आप आर्क बना लेंगे, आर्क बना करके कर सकते हैं। पॉइंट A से लेकर के आप मेजर कर लीजिए, इसमें ये लाइन आपने बनाया ही है, एक आपने पहले क्या 4.2 सेट कर लिया, एक पॉइंट रखा 4.2 यहाँ पे कट किया, वही आपका पॉइंट बन गया। अब 8.4 कर दिया, 8.6 कर दिया, 8.6 सब सेट कर दिए, फिर यहीं पे रखिए 8.6 आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे एरो, यहाँ पे आप ऐसे आर्क बन जाएगा, जब आर्क बन जाएगा तो ये से यहाँ तक आपका AC, यहाँ से लेके AB, आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा दोनों पॉइंट को, बन जाएगा ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अपने फिर से बारे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, पहले आपने ये लाइन ड्रॉ किया उसके बाद क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, लाइन में कौन सा लाइन सेगमेंट BC, आप जब A से लेके B तक बनाया, A से लेके C तक बनाया, B से लेके C तक कितना लेंथ है, इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना बच जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा? यस करना, मान लीजिए आप इतने में से इतना माइनस करने पे इसकी जो लेंथ है आप एक बार मेजर करके देखना कि सही है या गलत, सही निकलेगा, ठीक है, इसी का गलत बताना पड़ेगा आपने। ओके, यस सर। नंबर बी है, फोर्थ का बी, इज BC इज इक्वल टू AC माइनस AB, पूछा गया है बरखा का माइक बन जाइए बेटा, आपके यहाँ से बहुत हो रहा है, बरखा और शिखर, BC इज इक्वल टू AC माइनस AB, AC माइनस AB, यानी जो BC जो है वो क्या AC में से AB जो माइनस करके जो आंसर आएगा क्या उसने के बराबर है, BC आपका जो निकाले रहेंगे AC माइनस AB इतना ही तो आएगा, पहले निकालना, अगर आएगा तो बताना, बिल्कुल उतना ही आना चाहिए। ओके, यस सर। हम देखो क्वेश्चन नंबर 5, यस सर। लाइन PQ, ड्रॉ अ लाइन PQ एंड कट लाइन सेगमेंट 3.2 एंड QR 2.1 इन द सेम डायरेक्शन, जैसे आपने यहाँ पे LM बनाया था, PQ बना लेना, फिर दो लाइन सेगमेंट आपको बनाना है, P से Q, फिर Q से R, P से Q अगर आपने इतना बना लिया तो Q से R क्या होगा, जहां पे Q है वहीं से R, जितना सेंटीमीटर बोला गया उतना मेजर करके R का पॉइंट रखना, मैच करा देना, समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, इज PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR, क्या PR की जो वैल्यू है, PR जितने सेंटीमीटर का है वो PQ प्लस QR दोनों मिला के जितना लंबा होगा, जितने सेंटीमीटर का होगा उसके बराबर होगा, उससे इक्वल होगा, अगर यस है तो क्या लिखेंगे, यस PR इक्वल टू PQ प्लस QR,
अगर नो है तो क्या लिखेंगे? नो, पी आर इक्वल टू, पी आर इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल के बजाय ऐसे कर देना. नो, पी आर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर. इस तरीके से 3.2 एक्सरसाइज आप सभी को कंप्लीट करना है. कर ले जाएंगे? आज अभी तुरंत तुरंत इसको कंप्लीट करके भेज दीजिए. ध्यान दीजिएगा, लाइन सेगमेंट सभी के लाइन प्रॉपरली एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि आपकी मेजरमेंट है. अगर किसी का मेजरमेंट गलत हुआ तो मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा. यस सर, यस सर. गलत नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप इसको कैलकुलेट करिएगा. इनकेस बेटा एक चीज और है, इनकेस किसी को अभी भी दिक्कत आए तो आप अपने घरों पे आपसे बड़े जो होंगे हाई स्कूल में या टेंथ में या ट्वेल्थ में जो बच्चे भैया दीदी कोई पढ़ता होगा वो भी आपको एक बार कंपास और स्केल पे लाइन बनाना कितने सेंटीमीटर का वो बता देंगे, तो उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं. कैसे आपको करना है, कैसे ड्रॉ करना है, थोड़ा सा आप यूज करके अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उनको दिखा सकते हैं. ठीक है, तो आप एक बार कोशिश करिए. ड्रॉइंग में भी पढ़ाई जाती है. यस सर, यस सर. पूछना है इससे रिलेटेड और कुछ? यस सर. पूछना है हैंड रेज करिए. नो सर. अभिनय पांडे आया क्वेश्चन. बेटा बोलिए, पूछिए. सर, आज जो आपसे पढ़ाए हैं सर उसको आज ही देखना होगा सबके. बेटा जो अभी आज मैंने 3.2 बताया है इसको आज ही कंप्लीट करके अभी 2 बजे के पहले देखना. 2 बजे आपकी बच्ची का था ना? यस सर. तो इसका होमवर्क ये जो अभी मैं दे रहा हूँ इस होमवर्क को उसके पहले करके भेज दीजिए. तो 2 बजे आप जब इंग्लिश पढ़िएगा या हिंदी पढ़िएगा तो उसके बाद 2 बजे इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश का वर्क भी आ जाएगा, तो उसके बाद इसको करना. अभी 2 बजे के पहले आपके पास कोई क्लास है नहीं तो अभी आपको होमवर्क करना है, इसलिए ये समय दिया जा रहा है 2 घंटे का. तो यू ऑल नीड टू कंप्लीट द होमवर्क एंड सेंड बाय टुडे बाय 2 o'clock इन नून. ओके? यस सर. ना समझ में आए तो आप मैंने पूछा कि किसी से भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो अगले लाइव क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. ठीक है? यस सर. एवरीवन, गुड बाय एवरीवन. सर गुड बाय. सर गुड बाय.